और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां पुलिस ने बीजेपी नेता की हत्या के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले चोरी की नीयत से बदमाशों ने बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद अब आप देख रहे हैं यह तस्वीर जहां आरोपी के अवैध मकान पर बुलडोजर चला है। तो बुलडोजर की कार्रवाई मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में आपने देखे होंगे, लेकिन उज्जैन में एक बार फिर से ये कार्रवाई हो रही है, और वो भी उस आरोपी के अवैध निर्माण पर हो रही है जिसने चोरी के मकसद से बीजेपी नेता के घर में दाखिल किया, और जब बीजेपी नेता ने उसे देख लिया तो ये चीज बाहर ना आए ये सोचकर उसने बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी। लेकिन फिर भी कहा जाता है कानून के हाथ लंबे होते हैं, और कैसे भी एक बीड़ी के निशान से और एक बीड़ी के टुकड़े से आरोपी का पता चला, और उसके बाद जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और अब ये अवैध निर्माण पर जो कार्रवाई हो रही है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अजय पटवा संवाददाता उज्जैन से जुड़ गए हैं। अजय, कहा जाता है कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं, और इस पूरे मुहावरे को सच करती हुई ये घटना भी है। अब अवैध निर्माण पर आरोपी के बुलडोजर चल रहा है, कहां कहां पर इसके अवैध निर्माण है चिन्हित किए गए हैं, क्या कार्रवाई अभी जारी है? ये देखिए, 26 और 27 तारीख की दिन जो है राम निवास कुमावत और उनकी पत्नी मुन्नी कुमावत की गांव के ही चार युवकों ने घर में घुसकर हत्या कर दी थी। दो युवकों का रोल था कि नेकी करना था, कोई आता जाता तो नहीं दिख रहा है। वहीं दो लोग घर में घुसे थे जिसमें अल्पेश और विकास, इन दोनों ने मिलकर जो है घर में चोरी का प्लान बनाया था। घर में घुसते ही उन्होंने चोरी के लिए प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही घर में उठापटक की आवाज़ सुनी तो राम निवास उठकर जैसे ही गए तो उन पर सबसे पहले जानलेवा हमला किया गया। इसके बाद उनकी पत्नी की ओर बढ़े और उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए उनके पास से चोरी किया हुआ सामान जब्त कर लिया था। वहीं आज जो है जिला प्रशासन की टीम उनके घर पर पहुंची और उनके घर को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। जिसका घर तोड़ा जा रहा है वो अल्पेश है और विकास है, जिनके मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने इनके ही मकान का जो है निरीक्षण करवाया था कि ये अवैध निर्माण है या अवैध कब्जा कर रखा है, जिस तरीके से उस पर कार्रवाई की जा सके। तो आज जो है जिस तरीके से अवैध हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई की गई है, जिस तरीके से प्रशासन का साफ कहना है कि जो भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देगा तो उनको प्रशासन बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई है, और वहीं अल्पेश और विकास अभी पुलिस के रिमांड पर है, उनसे और भी पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी पूछताछ का सिलसिला भी लगातार जारी ही है, और इसी के साथ जो कार्रवाई है वो भी जारी है। हरदा में राजपूत समाज का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां टिमरनी में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। अपने साथी की पिटाई का ये लोग विरोध कर रहे हैं, चक्का जाम कर आरोपी पर कार्रवाई की मांग हो रही है। हरदा में राजपूत समाज का ये प्रदर्शन, टिमरनी में पुलिस के खिलाफ ये प्रदर्शन जारी है। इनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी पर कार्रवाई हो। इनके साथी की पिटाई की गई जिसका विरोध ये कर रहे हैं, चक्का जाम कर आरोपी पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है राजपूत समाज की तरफ से। ये प्रदर्शन की तस्वीर आप देखिए। खबर बैतूल से, जहां रिश्वतखोर वनकर्मी कैमरे में कैद हुए हैं, जब्त जेसीबी को छोड़ने के एवज में घूस मांगी है। महिला डिप्टी रेंजर और दो बीट गार्डो ने रिश्वत मांगी है, और सीसीटीवी में घूसखोरी की जो पूरी घटना है वो कैद हो गई है। जांच में रिश्वत लेने की पुष्टि भी हुई है। रिश्वत लेते आप देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई रिश्वत लेने की ये तस्वीर, रिश्वतखोर वनकर्मी की ये तस्वीर आप देखिए। दरअसल ये पूरा मामला जब्त जेसीबी से जुड़ा हुआ है, जहां जब्त जेसीबी को छोड़ने के एवज में घूस मांगी गई, और ये दोनों ही देखिए पहले प्लानिंग करते हैं फिर यहां पहुंचते हैं। महिला डिप्टी रेंजर और दो बीट गार्डों ने रिश्वत मांगी, सीसीटीवी में घूसखोरी की पूरी वारदात कैद हुई है, और जांच में अब जुटी हुई है पुलिस।